गुना माफ करने वाला और तोबा कबूल करने वाला है कठोर अजाब देने वाला और बड़ा फजल वाला है कोई इलाह यानी पूज्य उसके सिवा नहीं उसी की ओर सबको पलटना है अल्लाह की आयतों में झगड़े नहीं करते मगर सिर्फ वे लोग जिन्होंने इनकार किया है इसके बाद दुनिया के मुल्कों में उनकी चलत फेरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले كبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل لِيُدْحِضُوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب انسبحله نوحي قوم بھی جٹلا چکی ہے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے उन सब ने असत्य के हथियारों से सत्य को नीचा दिखाने की कोशिश की किंतु आखिरकार मैंने उनको पकड़ लिया फिर देख लो कि मेरी सजा कैसी कठोर थी इसी प्रकार तेरे रब का ये फैसला भी उन सब लोगों पर चस्पा हो चुका है जिन्होंने इनकार किया है कि वे जहन्नम में जाने वाले हैं। الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إيش سينج حسن سيوتاني فرشتي और वे जो सिंहासन के चारों तरफ हाजिर रहते हैं सब अपने रब की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह, यानी महिमा गान कर रहे हैं। वे उस पर ईमान रखते हैं और ईमान लाने वालों के हक में मखफिरत यानी मोक्ष की दुआ करते हैं वे कहते हैं ए हमारे रब तू अपनी दयालुता और अपने ज्ञान के साथ हर चीज पर छाया हुआ है अतः माफ कर दे और जहन्नम के अजाब से बचा ले उन लोगों को जिन्होंने तौबा की है और तेरा मार्ग ग्रहण कर लिया है ऐ हमारे रब और दाखिल कर उनको हमेशा रहने वाली उन जन्नतों में जिनका तूने उनसे वादा किया है और उनके माता पिता और पत्नियों और संतान में से जो नेक हों उनको भी वहां उनके साथ ही पहुंचा दे तू यकीनन सर्वशक्तिमान और तत्वदर्शी है फकद और बचा दे उनको बुराइयों से जिसको तूने ने कयामत के दिन बुराइयों से बचा दिया उस पर तूने बड़ी दया की यही बड़ी सफलता है मिन जिन लोगों ने इनकार किया है कयामत के दिन उनको पुकार कर कहा जाएगा आज तुम्हें जितना ज्यादा गुस्सा अपने ऊपर आ रहा है अल्लाह तुम पर उससे ज्यादा गुस्सा उस समय करता था जब तुम्हें ईमान की ओर बुलाया जाता था और तुम इनकार करते थे वे कहेंगे, ए हमारे रब, तूने वास्तव में हमें दो बार मौत और दो बार जिंदगी दे दी अब हम अपने गुनाहों को कबूल करते हैं क्या अब यहाँ से निकलने की भी कोई राह है जवाब मिलेगा ये हालत जिसमें तुम पड़े हो इस कारण से है कि जब अकेले अल्लाह की ओर बुलाया जाता था तो तुम मानने से इनकार कर देते थे और जब उसके साथ दूसरों को मिलाया जाता तो तुम मान लेते थे अब फैसला महान और सर्वोच्च अल्लाह के हाथ है तो वही है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और आसमान से तुम्हारे लिए रोजी उतारता है मगर इन निशानियों के निरीक्षण से शिक्षा सिर्फ वही व्यक्ति ग्रहण करता है जो अल्लाह की ओर रुजू करने वाला हो अतः ए रुजू करने वालों अल्लाह ही को पुकारो अपने धर्म को उसी के लिए खालिस यानी विशिष्ट करके चाहे तुम्हारा ये कर्म इनकार करने वालों को कितना ही नापसंद हो वो ऊँचे दर्जों वाला सिंघासन का मालिक है अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से रूह उतार देता है ताकि वो मिलन के दिन से सावधान करते वो दिन जब सब लोग होंगे अल्लाह से उनकी कोई बात छिपी हुई ना होगी उस दिन पुकार कर पूछा जाएगा आज राज किसका है सारी दुनिया पुकार उठेगी अल्लाह अकेले प्रभुत्वशाली का कहा जाएगा आज हर जीव को उस कमाई का बदला दिया जाएगा जो उसने की थी आज किसी पर कोई जुल्म न होगा और अल्लाह हिसाब लेने में बहुत तेज है एनबी डरा दो इन लोगों को उस दिन से जो करीब आ लगा है जब कलेजे मुंह को आ रहे होंगे और लोग चुपचाप गम के घूट पिए खड़े होंगे जालिमों का न कोई चाहने वाला दोस्त होगा और न कोई सिफारिश करने वाला जिसकी बात मानी जाए अल्लाह निगाहों की चोरी तक से परिचित है और वो रहस्य तक जानता है जो सीनों ने छिपा रखे हैं। और अल्लाह ठीक ठीक बेलाग फैसला करेगा रहे वे जिनको ये बहुदेव अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं वे किसी चीज का भी फैसला करने वाले नहीं हैं। यकीनन अल्लाह ही सब कुछ सुनने और देखने वाला है لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے उन लोगों का परिणाम दिखाई देता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं वे इनसे ज्यादा बलशाली थे और इनसे ज्यादा प्रबल चिन्ह जमीन में छोड़ गए हैं मगर अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और उनको अल्लाह से बचाने वाला कोई न था ये उनका परिणाम इसलिए हुआ कि उनके पास उनके रसूल प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर आए और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया आखिरकार अल्लाह ने उनको पकड़ लिया यकीनन वो बड़ी शक्ति वाला और सजा देने में बहुत सख्त है हमने मूसा को अपनी निशानियों और नियुक्ति के स्पष्ट प्रमाण के साथ भेजा नामांग और, और कारून की ओर मगर उन्होंने कहा जादूगर है बहुत झूठा है फिर जब वो हमारी ओर से सत्य उनके सामने ले आया तो उन्होंने कहा जो लोग ईमान लाकर इसके साथ शामिल हुए हैं उन सबके लड़कों को कत्ल करो और लड़कियों को जिंदा छोड़ दो मगर इनकार करने वालों की चाल अकारत ही गई। एक दिन फिरऑन ने अपने दरबारियों से कहा छोड़ो मुझे मैं इस मूसा को कत्ल किए देता हूँ और पुकार देखे ये अपने रब को मुझे आशंका है कि ये तुम्हारा धर्म बदल डालेगा या देश में बिगाड़ पैदा करेगा मूसा ने कहा मैंने तो हर उस अहंकारी के मुकाबले में जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता اپنے رب اور تمہارے رب کی لے لی ہے قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه इस अवसर पर फिरौन के लोगों में से एक ईमान रखने वाला व्यक्ति जो अपना ईमान छिपाए हुए था बोल उठा क्या तुम एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दोगे कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है जबकि वो तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे पास स्पष्ट प्रमाण ले आया अगर वो झूठा है तो उसका झूठ खुद उसी पर पलट पड़ेगा लेकिन अगर वो सच्चा है तो जिन भयंकर परिणामों से वो तुम्हें डराता है उनमें से कुछ तो तुम पर जरूर आ ही जाएंगे अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को मार्ग नहीं दिखाता जो मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला और बड़ा झूठा हो كل يوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد <applause> أي مري قوم کے لوگو آج تمہیں بادشاہی پرابت और जमीन में तुम प्रभुत्वशाली हो लेकिन अगर अल्लाह का अजाब हम पर आ गया तो फिर कौन है जो हमारी सहायता कर सकेगा फिर ऑन ने कहा मैं तो तुम लोगों को वही राय दे रहा हूं जो मुझे उचित दीख पड़ती है और मैं उसी मार्ग की ओर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूं जो ठीक है قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وبيكتي جو إيمان لايتها أُسنكها، إي قوم كيلوغو، مُجدر هي، كيكا هي تُمبر بي ودن ناجاي، جو يسفي باهلي، بو پر جت تُمبر أتشوكا هي. بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، जैसा दिन नूह और आद और समूद की कौम और उनके बाद वाली कौमों पर आया था और ये वास्तविकता है कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म का कोई इरादा नहीं रखता ए क़ौम मुझे डर है कि कहीं तुम पर दुहाई और आरतनाद का दिन ना आ जाए मिन मिन जब तुम एक दूसरे को पुकारोगे और भागे भागे फिरोगे मगर उस समय अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा सच ये है कि जिसे अल्लाह भटका दे उसे फिर कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं होता इधर हर ककुल तुम लुम दादी रसूल से पहले यूसुफ तुम्हारे पास स्पष्ट पड़े रहे फिर जब उनका देहांत तो हो गया तो तुमने कहा अब उनके बाद अल्लाह कोई रसूल हरगिज न भेजेगा इसी तरह अल्लाह उन सब लोगों को गुमराही में डाल देता है जो हद से गुजरने वाले और शक में पड़े होते हैं और अल्लाह की आयतों में झगड़े करते हैं बिना इसके कि उनके पास कोई सनद या प्रमाण आया हो ये नीति अल्लाह और ईमान लाने वालों की दृष्टि में अत्यंत अप्रिय है इसी तरह अल्लाह हर अहंकारी और दमनकारी के दिल पर ठप्पा लगा देता है हामान फिरौन ने कहा ए हमान मेरे लिए एक ऊंचा भवन बना تاكي میں مارگوں تک پہنچ باب السماوات فاطلع الى اله موسى وإني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب اسمان کے مارگوں تک اور موسی کے خدا کو کر دخوں. मुझे तो ये मूसा झूठा ही मालूम होता है इस प्रकार फिर के लिए उसका दुष्कर्म खुशनुमा बना दिया गया और वो सनमार्ग से रोक दिया गया फिर की सारी चालबाजी उसके अपने विनाश के मार्ग ही में लगी वो व्यक्ति जो ईमान लाया था बोला ए मेरी कौम के लोगो मेरी बात मानो मैं तुम्हें ठीक मार्ग बताता हूँ ए कौम ये दुनिया की जिंदगी तो थोड़े दिनों की है हमेशा ठहरने का स्थान तो आखिरत ही है ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی और जो अच्छा कर्म करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत शर्त यह है कि हो वो ईमान वाला ऐसे सब लोग जन्नत में प्रवेश करेंगे जहाँ उनको बेहिसाब रोजी दी जाएगी आखिर ये क्या मामला है कि मैं तो तुम लोगों को मुक्ति की ओर बुलाता हूँ और तुम लोग मुझे आग की ओर आमंत्रित करते हो तुम मुझे इस बात का आमंत्रण देते हो कि मैं अल्लाह के साथ इनकार की नीति अपनाऊं और उसके साथ ऐसों को साजी ठहराऊं जिन्हें मैं नहीं जानता हालांकि मैं तुम्हें उस प्रभुत्वशाली क्षमाशील ईश्वर की ओर बुला रहा हूँ। नहीं सत्य ये है और इसके विपरीत नहीं हो सकता कि जिनकी ओर तुम मुझे बुला रहे हो उनके लिए न दुनिया में कोई आमंत्रण है न आखिरत में और हम सब को पलटना अल्लाह ही की ओर है और सीमा का उल्लंघन करने वाले आग में जाने वाले हैं आज जो कुछ मैं कह रहा हूं, जल्द ही वो समय आएगा जब तुम उसे याद करोगे और अपना मामला मैं अल्लाह को सौंपता हूँ वो अपने बंदों का निगहबान है आखिरकार उन लोगों ने जो बुरी से बुरी चालें उस ईमान वाले के विरुद्ध चली अल्लाह ने उन सब से उसको बचा लिया और फिर के साथ ही खुद अत्यंत तो बुरे अजाब के फेर में आ गए दो जख्ख की आग है जिसके सामने सुबह और शाम वे पेश किए जाते हैं और जब कयामत की घड़ी आ जाएगी तो आदेश होगा कि फिर के लोगों को कठोरतम अजाब में दाखिल करो नरे फयापूल उब्बवादी नस्तक बहु फयाकुल उदी नस्तक लकुम फिर तनिक विचार करो उस समय का जब ये लोग दो में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे दुनिया में जो लोग कमजोर थे वे बड़े बनने वालों से कहेंगे कि हम तुम्हारे अधीन थे अब क्या यहाँ तुम जहन्नम की आग की तकलीफ के कुछ भाग से हमको बचा लोगे तो वे बड़े बनने वाले जवाब देंगे हम सब यहाँ एक हाल में हैं और अल्लाह बंदों के बीच फैसला कर चुका है तो फिर ये आग में पड़े हुए लोग जहन्नम के कार्यकर्ताओं से कहेंगे अपने रब से दुआ करो कि हमारे अजाब में बस एक दिन की कमी कर दे थी कुमर थी कॉलो बालूरो वे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास रसूल स्पष्ट प्रमाण लेकर नहीं आते रहे थे वे कहेंगे हाँ जहन्नम के कार्यकर्ता बोलेंगे फिर तो तुम ही दुआ करो और इनकार करने वालों की दुआ अकारत ही जाने वाली है आमनू यकीन जानो कि हम अपने रसूलों और ईमान लाने वालों की सहायता इस दुनिया की जिंदगी में भी अवश्य करते हैं और उस दिन भी करेंगे जब गवाह खड़े होंगे जब जालिमों को उनका उज्र यानी बहाना पेश करना कुछ भी लाभदायक सिद्ध न होगा और उन पर फिटकार पड़ेगी और अत्यंत तो बुरा ठिकाना उनके हिस्से में आएगा आखिर देख लो कि मूसा का हमने पथ प्रदर्शन किया और इसराइल की संतान को उस किताब का उत्तराधिकारी बना दिया जो बुद्धि और समझ रखने वालों के लिए मार्गदर्शन और नसीहत थी अतः ए नबी सब्र ऐसी काम लो अल्लाह का वादा सच्चा है अपने कसूर की माफी चाहो और सुबह और शाम को अपने रब की प्रशंसा के साथ उसकी तस्बी यानी महिमागान करते रहो الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير بس <سؤال> بكتا هي, هي كي جو لوك سند أو ترك بنا جو ان کے پاس آیا هو अल्लाह की आयतों में झगड़ रहे हैं उनके मन में अहंकार भरा हुआ है मगर वे उस बड़ाई को पहुंचने वाले नहीं हैं, जिसका वे घमंड रखते हैं बस अल्लाह की पनाह मांग लो वो सब कुछ देखता और सुनता है तो आसमानों और जमीन का पैदा करना इंसान को पैदा करने की अपेक्षा यकीनन अधिक बड़ा काम है मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। और ये नहीं हो सकता कि अंधा और आंखों वाला समान हो जाएं और ईमानदार व सदाचारी और दुराचारी बराबर ठहरे मगर तुम लोग कम ही कुछ समझते हो ला ला यकीनन क़यामत की घड़ी आने वाली है और उसके आने में कोई शक नहीं मगर ज्यादातर लोग नहीं मानते तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा जो लोग घमंड में आकर मेरी बंदगी से मुंह मोड़ते हैं जरूर वे अपमानित होकर जहन्नम में प्रवेश करेंगे लकुम ला वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें शांति प्राप्त करो और दिन को प्रकाशमान किया वास्तविकता ये है कि अल्लाह लोगों के प्रति उदार अनुग्रह वाला है मगर ज्यादातर लोग शुक्र अदा नहीं करते इल्ला इल्ला वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ये कुछ किया है तुम्हारा रब है हर चीज का सृष्टा है उसके सिवा कोई पूज्य नहीं फिर तुम किधर से बहकाए जा रहे हो इसी तरह वे सब लोग बहकाए जाते रहे हैं जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ठहरने का स्थान बनाया और ऊपर आसमान का गुंबद बना दिया जिसने तुम्हारा रूप बनाया और बड़ा ही अच्छा बनाया जिसने तुम्हें अच्छी स्वच्छ चीजों की रोजी दी वही अल्लाह जिसके ये कार्य हैं तुम्हारा रब है बेहिसाब बरकतों वाला है वो जगत का स्वामी कुल है दीन। वही जिंदा है उसके सिवा कोई इलाह यानी पूज्य नहीं उसी को तुम पुकारो अपने दीन यानी धर्म को उसी के लिए खालिस यानी विशुद्ध करके सारी प्रशंसा अल्लाह सारे जहान के रब ही के लिए है नबी इन लोगों से कह दो कि मुझे तो उन हस्तियों की बंदगी से रोक दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो मैं ये काम कैसे कर सकता हूं जबकि मेरे पास मेरे रब की ओर से स्पष्ट प्रमाण आ चुके हैं मुझे आदेश दिया गया है कि मैं सारे जहान के रब के आगे नतमस्तक हो जाऊं خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون وهي تهيئ जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया फिर वीर से फिर खून के लोथड़े से फिर वो तुम्हें बच्चे के रूप में निकालता है फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि तुम अपनी पूरी शक्ति यानी प्रौढ़ता को पहुंच जाओ फिर और बढ़ाता है ताकि तुम बुढ़ापे को पहुंचो और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है यह सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपने निश्चित समय तक पहुंच जाओ और इसलिए कि तुम सच्चाई को समझो तो वही है जिंदगी देने वाला और वही मौत देने वाला है वो जिस बात का भी फैसला करता है बस एक आदेश देता है कि वो हो जाए और वो हो जाती है तुमने देखा उन लोगों को जो अल्लाह की आयतों में झगड़े करते हैं कहाँ से वे फिराए जा रहे हैं ये लोग जो इस किताब को और उन सारी किताबों को झुठलाते हैं जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजी थी जल्द ही इन्हें मालूम हो जाएगा फी जब तो इनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें जिनसे पकड़ कर खींचे जाएंगे फिर वे खोलते हुए पानी की ओर और, और फिर

वे जवाब देंगे खोए गए वे हमसे बल्कि हम इससे पहले किसी चीज को न पुकारते थे इस तरह अल्लाह इनकार करने वालों का पथ भ्रष्ट होना प्रमाणित कर देगा उनसे कहा जाएगा ये तुम्हारा परिणाम इसलिए हुआ है कि तुम जमीन में असत्य पर मग्न थे और फिर उस पर इतराते थे अब, अब जाओ जहन्नम के द्वारों में प्रवेश कर जाओ हमेशा तुमको वहीं रहना है बहुत ही बुरा ठिकाना है अहंकारियों का तो अतः सब्र से काम लो अल्लाह का वादा सच्चा है अब चाहे हम तुम्हारे सामने ही इनको उन बुरे परिणामों का कोई अंश दिखा दें, जिनसे हम इन्हें डरा रहे हैं या उससे पहले तुम्हें दुनिया से उठा लें

तो सत्य के अनुसार फैसला कर दिया गया और उस समय दुराचारी लोग घाटे में पड़ गए अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए ये चौपाए बनाए हैं ताकि इनमें से किसी पर तुम सवार हो और किसी का गोश्त खाओ उनमें तुम्हारे लिए और भी बहुत से लाभ हैं। वे इस काम भी आते हैं कि तुम्हारे दिलों में जहाँ जाने की जरूरत हो वहाँ तुम उन पर पहुंच सको उन पर भी और नौकाओं पर भी तुम सवार किए जाते हो तुम الله تنكرون अल्लाह अपनी ये निशानियां तुम्हें दिखा रहा है आखिर तुम उसकी किन किन निशानियों का इनकार करोगे فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا پرنام دکھائی دیتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے तादाद में ज्यादा थे इनसे बढ़कर शक्तिशाली थे और जमीन में इनसे ज्यादा भव्य स्मृति चिन्ह छोड़ गए हैं जो कुछ कमाई उन्होंने की थी आखिर वो उनके किस काम आई जब उनके रसूल उनके पास स्पष्ट प्रमाण लेकर आए तो वे उसी ज्ञान में मग्न रहे जो उनके अपने पास था और फिर उसी चीज के फेर में आ गए जिसकी वे हंसी उड़ाते थे जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो पुकार उठे कि हमने मान लिया अल्लाह को जो अकेला है जिसका कोई साझी नहीं और हम इनकार करते हैं उन सब इलाहों यानी उपासियों का जिन्हें हम उसका साजी ठहराते थे तो मगर हमारा अजाब देख लेने के बाद उनका ईमान उनके लिए कुछ भी लाभदायक न हो सकता था क्योंकि यही अल्लाह की नीयत की हुई प्रणाली है जो हमेशा उसके बंदों में कार्यान्वित रही है और उस समय इनकार करने वाले घाटे में पड़ गए